नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में। विभव कुमार को राहत नहीं मिली है, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में गिरफ्तार सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में दिल्ली पुलिस को सौंप दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद विभव कुमार के वकील एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, इसमें 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। उन्हें 23 मई को फिर से पेश किया जाएगा। जांच के दौरान उन्हें अपने वकील और परिवार के सदस्यों से भी मिलने की अनुमति रहेगी। अगर आप मेडिकल आधार पर किसी दवा की जरूरत होगी तो वह भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपी ने महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर दिए हैं। साथ ही कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर यह भी पता लगाना है कि उसने किस वजह से महिला सांसद के साथ मारपीट की थी। वहीं विभव कुमार के वकील ने अदालत को बताया कि मालीवाल अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी और वहां आने से पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया था और ना ही आने के उद्देश्य के बारे में किसी को बताया। विभव के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने विभव कुमार की हिरासत पर बहस करते हुए कहा कि हमने डीवीआर मांगा, पेन ड्राइव में दिया गया फुटेज खाली पाया गया है, पुलिस को आईफोन दिया गया है लेकिन अब आरोपी पासवर्ड नहीं बता रहा है, फोन को फॉर्मेट कर दिया गया है। श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी विभव कुमार आज भी घटनास्थल पर मौजूद था। उधर बचाव पक्ष के वकील राजीव मोहन ने कहा कि रिकॉर्ड पर किसी भी मेडिकल दस्तावेज यहाँ तक कि MLC का भी कोई उल्लेख नहीं है। ड्राइंग रूम में कोई CCTV नहीं है, CCTV डेटा केवल मुख्य द्वार के आवासीय क्षेत्र तक हो सकता है। क्या मुझे अपने फ़ोन का पासवर्ड देने के लिए मजबूर किया जा सकता? आरोपी को पासवर्ड देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे मोहन ने कहा कि आरोपी को आज शाम 4:15 पर जल्दबाजी में गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी। उधर स्वाति मालीवाल ने DVR और बिना फुटेज वाली पेन ड्राइव मिलने की जानकारी देने पर समाचार एजेंसी के ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा कि पहले मुझे बेरहमी से विभव ने पीटा, थप्पड़ और लाते मारी। जब मैंने खुद को छुड़ाकर 112 पर कॉल किया तो बाहर जाकर सिक्योरिटी बुलाई गई, वीडियो बनाने लगा। मैं सिक्योरिटी को चीख चीख कर बता रही थी कि मुझे बेरहमी से पीटा गया है। वो पूरा लंबा हिस्सा वीडियो अब एडिट कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए विभव कुमार को शनिवार को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। हिरासत में ले जाने के बाद उनके वकीलों ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी लेकिन फैसला आने से पहले उन्हें गिरफ्तार किए जाने की वजह से अग्रिम जमानत याचिका अर्थहीन हो गई है। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर 13 मई सोमवार को उनके साथ CM हाउस में मारपीट करने का आरोप लगाया था। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को इस संबंध में आरोपी विभव कुमार के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की थी। इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की कई टीमें विभव कुमार को तलाश रही थी। दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक विभव कुमार ने कथित तौर पर स्वाति मालीवाल को कई बार लाते और थप्पड़ मारे थे। स्वाति मालीवाल ने विभव पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस ने विभव को शनिवार को CM आवास से ही गिरफ्तार किया था। इस मामले में गुरुवार को शिकायत दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पुलिस स्वाति मालीवाल को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंची थी, जहां उन्होंने मालीवाल से कथित वारदात वाले दिन जानकारी लेते हुए उस दिन का सीन रिक्रिएट किया था। साथ ही कौन खड़ा था इस बारे में भी पूछताछ की गई। इस मामले को लेकर सबूत जमा करने के लिए पुलिस की टीम ने अपने साथ फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी साथ लेकर CM हाउस पहुंची थी। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।